अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई कीमा पहले भी मैं बना चुकी हूँ लेकिन ये मुख्तलिफ है। कढ़ाई कीमा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ के जी कीमा है मेरे पास, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून भर के, नमक टू टेस्ट है यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून किसाबत धनिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून तीखी सुरख मिर्चे हैं, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, 2 बड़ी प्याज थी इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, 5-6 टमाटर है इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, 1/4 कप दही है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक जूलियन में है, ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉट के अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, इसे मैं फ्राई करूंगी। ये प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कीमा और नमक, मिक्स करेंगे। मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक कीमा जो है वो हमारा गल ना जाए। जी कीमा थोड़ा सा पक चुका है, इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें डाल दूंगी। यहाँ पर मैं डाल दूंगी कटे हुए टमाटर, मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी बाकी के स्पाइसेस, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ जीरा, फिर सुरख मिर्ची, मिक्स करेंगे। इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक टमाटर जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए और ना मुकम्मल तौर पर गल जाए। सब मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर का अपना भी पानी देगा। इसमें ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पे। ये टमाटर गल चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी बाकी की चीज़ें, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, वैसे आप मत डालिएगा। करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। जी 1 से 2 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है, कीमा हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं चूल्हा इसका कर दूंगी बंद और इसको मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। जी बेहतरीन सा कीमा कढ़ाई हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये फ्री है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।